हरियाणा में चुनावी अखाड़ा तैयार हो चुका है, जिसके लिए तमाम उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में गन्नौर से भाजपा नेता देवेंद्र कादियान भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं आज देवेंद्र कादियान गन्नौर के भूरी और लड़सौली गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका पगड़ी और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव उनके बेटे और नेताओं के बीच का चुनाव है, इस चुनाव में आपके वोट से क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। मैंने जब शुरुआत की थी, पहली बार जब भूरी गांव में आया था, आपको शायद ध्यान होगा, एक तीन शब्द का मैंने नारा दिया था, नेता नहीं बेटा। पिछले चुनावों से पहले भी इन्हीं दिनों में आया था, उस समय ये जो तीन शब्द थे, नेता नहीं बेटा, उनके बारे में विस्तार से आपके सामने बात रखी थी। मैंने अपने आप को बेटा शब्द इसलिए कहा कि मैं आप जैसे परिवार से, जो मेरे समक्ष हमारी मातृशक्ति बैठी है, ये हमारे चाचा ताऊ बैठे हैं, आप जैसे परिवार से निकलकर मैं यहां मंच तक पहुंचा हूं, इसी भीड़ में से निकल के आया हूं, एक आम परिवार से, एक छोटे किसान परिवार से, एक गरीब परिवार से, हर पीड़ा को, हर दर्द को स्वयं में समझ कर आया हूं। क्या बेरोजगार एक युवा की पीड़ा होती है, जब उसको नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मैंने भी स्वयं दो दो ढाई ढाई साल नौकरी का कागज अपने हाथ में नेताओं के पीछे धक्के खाए, नौकरी के लिए। गरीबी को खुद में महसूस किया, किसान का क्या दर्द है वो स्वयं में से झेला हुआ है। ये मातृशक्ति बैठी है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको एक अपने प्रतिनिधि से, एमएलए से, मंत्री से क्या आशा, क्या उम्मीद होती है, मैं वहां बैठ के समझ के आया हूं, सुन के आया हूं। मंच पे तो अभी थोड़े दिन पहले ही चढ़ा हूं कुछ सालों से, वरना वहां पीछे कुर्सी में बैठ के बहुत सारे नेताओं के भाषण सुन के आया हूं। इसलिए मैंने नेता उसको कहा जिसने गरीब छोटे किसान परिवार में जन्म लेकर हर तकलीफ को, हर पीड़ा को स्वयं में महसूस किया और स्वयं संघर्ष करके अपनी मेहनत से, अपने पसीनों से यहाँ इस मंच तक का सफर तय किया। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने कहा कि आपका बेटा पिछले 8 सालों से आपके बीच रहकर सेवा सोसाइटी के माध्यम से जनहित के कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी लोगों को प्लॉट देने का झूठा वादा करके उनके बीच जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा गन्नौर में विकास करने की बजाय सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है, इसलिए इस बार हम ऐसे लोगों को घर बैठाने का काम करेंगे। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।